गाइस वेलकम टू सिनी स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनुपमा सीरियल से अपडेट्स। अनुपमा सीरियल आप जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो है। और जो है अनुपमा सीरियल में आप देख रहे हैं किस तरह से जो अनुपमा है वो इंडिपेंडेंट बन रही हैं और एक डांस अकेडमी खोलने का सोच रही हैं, अपने सपने की ओर बढ़ रही हैं। और इसी बीच जो है वो वनराज और काव्या की स्थिति जो है वो देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो, उससे उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। और वो उन्हें एक आइडिया देती है वनराज को कि क्यों ना वो एक कैफ़े खोल लें उनके डांस एकेडमी में अनुपमा के, और उसी से वो खुद के बॉस भी बने रहेंगे और प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो इस पर जो है वनराज जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस आइडिया को आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं। और तब जो है समर इस बात का खिलाफ करते हैं, अनुपमा जी से कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा महानता ना दिखाएं, और क्योंकि हर बार जो है वो अनुपमा जो है वो उनकी मदद करने की कोशिश करती है, दया खाती है वनराज काव्या पर जो है वो दोनों हमेशा ताने देते रहते हैं, उन्हें इंसल्ट करते रहते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इस बात को और कह रहे हैं अनुपमा जी को कि वो ऐसे महान ना बने और जो है वो कैफे नहीं खुलवाना चाहते वनराज का वहाँ डांस अकेडमी पर। तो आगे हमें देखने को मिलेगा क्या ट्विस्ट होता है, क्या बात बनती है, क्या ये कैफे खुल पाता है वनराज का, और क्या अनुपमा जी मना पाती है समर को, या फिर समर जो है अकड़े रहते हैं अपने डिसीजन पे और कैफे नहीं खुल पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिने स्पीक्स।